दोस्तों कोस्टारिका में मोटरसाइकिल रेसिंग के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। रेसिंग ट्रैक पर दो बाइकें आपस में टकरा गई, जिससे एक बाइक का ड्राइवर अनियंत्रित होकर दूसरी मोटरसाइकिल पर गिर गया। इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन दोनों बाइक सवारों ने एक दूसरे पर लात और घोंसे बरसा दिए। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो का काफी मजाक उड़ा रहे हैं। ये घटना कोस्टारिका के अलाजुएला शहर में आयोजित नेशनल मोटरबाइक चैंपियनशिप की है। रेसर जॉर्ज मार्टिनेज की बाइक ने दूसरे रेसर मेरियोन काल्वो की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस बीच मार्टिनेज की बाइक पीछे से फिसल गई और मोड़ के पास वे काल्वो की बाइक पर गिर गए। मार्टिनेज की किस्मत अच्छी थी कि तेज गति होने के बावजूद भी काल्वो की बाइक का संतुलन नहीं बिगड़ा, वरना वे सिर के बल गिर जाते। इसके बाद में काल्वो ने बाइक को किनारे लगाया, लेकिन गुस्से से भरे मार्टिनेज ने खुद को संभालते हुए बीच ट्रैक में ही काल्वो को मारना शुरू कर दिया। मार्टिनेज का गुस्सा इतना तेज था कि काल्वो बाइक समेत गिर पड़े। हालांकि काल्वो ने भी पलटवार किया और बीच ट्रैक में खड़े मार्टिनेज को धक्का दे दिया। अधिकारियों ने किसी बड़े हादसे की आशंका में रेस को बीच में ही रुकवा दिया। चर्चा के बाद अब डिसिप्लिनरी कमेटी ने दोनों रेसरों पर 2-2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।